ये मेरा क्यों सीखे काम आएगा बरसात के रूप में भगवान के द्वारा मेरे को देने को मिलते सिखा रही है बरसात के पशु को अभी वह शिव मंदिर से तो हम आगे निकल आए हैं और भाई जो गुरुजी ने माला मेरे को पहनाई यार ये सोने से भी कीमती है। अगर कोई सोने की चैन पहना था तो उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन ये पहनने के बाद जो खुशी हुई है ये एक प्रसाद ही है जो हर किसी को नहीं मिलती मांगने से। मतलब ये बगैर मांगे गुरुजी ने पता नहीं क्या हुआ कि मेरे गले में उसने निकाली और बोले कि खड़े हो बच्चा, कुछ देना है तुमको। फिर ये माला मेरे गले में पहना दी, जो कि ऐसी माला मेरे को पसंद भी है। हमारा गहना तो भाई यही है भोले के भक्त। और ये वहाँ सेवक क्या नाम है, महेश जी, वहाँ पे मंदिर की सेवा करते हैं। और जो कोई भी यात्री संत महात्मा आते हैं उनकी सेवा करते हैं। और पूरी रात उधर ही थे हम, और अभी आगे बस मुजफ्फरनगर पहुँच के वो तीन दो काका और एक भाई जो कि मेरे द्वारका से हैं वो अभी हम आगे मिलने वाले हैं और सब साथ में फिर वहाँ से यात्रा हम शुरू करेंगे। दोस्तों अभी एक ऐसी जगह पे पहुँचा हूँ कि जहाँ पे शिव जी के हाथ से मूर्ति बनाते, जबकि अभी काफ़ी जगहों पे क्या है कि वो उनके बिंब होते हैं उसमें वो सब रख के बनाते हैं, लेकिन ये भैया जो है ये मूर्ति जो है वो हाथ से ही बनाते हैं। ये पूरी मूर्ति हाथ से बनी हुई है, यानी हैंड वर्क ये आप देख सकते हैं। सीमेंट की है ना भैया जी? हाँ जी। और ये किसकी मूर्ति है? गोरखनाथ। ये गुरु गोरखनाथ। ये किसकी बन रही है? हाँ जी, काछल बाछल। हाँ जी, हाँ। और भी मूर्ति है इधर। अरे वाह, क्या मूर्ति बनाते हो भाई आप। अभी मुजफ्फरनगर सिटी में मैं पहुंच गया, मतलब सिटी तो अभी पीछे रह गई है, मैं थोड़ा मुजफ्फरनगर से बाहर ही निकल आया है ना मैं। और दोनों भाई मिले जो कि क्या नाम है भैया? प्रिंस भाई और रचित भाई। भाई दोनों ने थोड़ी बहुत हेल्प की और अभी रास्ता जो है मैं सही रास्ते को या नहीं अभी मैं इनसे पूछ लूँगा। बाकी तो आज तो पूरी नाइट चलूँगा, क्योंकि कल दोपहर तक या शाम तक मैं हरिद्वार कैसे भी करके मैं पहुँचना है, क्योंकि एक दो बंदे जो है उन्होंने छुट्टी ले रखी है मेरे को मिलने के लिए। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो उनकी छुट्टी जो है वो बेकार जाएगी। क्या नाम है भैया आप दोनों का? कार्तिक नाम है जी। कार्तिक। और भैया आपका? अभिषेक भाई। चलो भाई मजा आया यार मिलके, मतलब कि कसम ये एक क्या है कि इंसानियत बिल्कुल जी बिल्कुल पता चलती है कि है लोग की रोक के देख के तो सब जाते है। शिव जी के सेवक हो, अनन्य भक्त हो, आपकी सेवा में अगर हम जैसे लग जाएंगे तो हमारा भी धन्य और आप भी धन्य। अरे नहीं बस अभी क्या है कि अभी तो मैं चलूँगा 20-25 किलोमीटर का बहुत दूर जाकर, और अगर रास्ता साफ रहा मतलब गाड़ियाँ चलती रही तो सुबह तक चल लेगा ही रास्ता। हाँ वैसे किसी के होटल तो अभी क्या यहाँ पे, तो जैसे आपने कहा वैसे फिर कौन रुकने दे, कोई हाँ बोल देता है कोई मना बोलता है तो हम आगे निकल लेते हैं। नहीं मना तो कोई करने का नहीं। हाँ बहुत टूरिस्ट हमारा इधर, तो हरिद्वार जहाँ बहुत लोग जाओ। आप हरिद्वार से जाओगे?
मुजफ्फरनगर से काफ़ी आगे पहुंच गए, शायद 10 या तो फिर 15 किलोमीटर आ गए हैं। और वो जो तीन भाई, दो काका और एक भाई जो आगे मेरा वेट कर रहे हैं, वो अभी खाना खाने बैठ गए और मैं अभी जस्ट उसने लोकेशन जो मेरे को भेजा है वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। ये गुरु नानक करके कोई ढाबा था, वहाँ पे वो लोग बैठे हैं, तो जस्ट अभी मैं पहुँचा हूँ। अभी देखते हुए ये बैठे हैं, तो ये लोग एक तो सो गए अंकल, लव भारी खेजू टाइम बोलो हमारे माथे मूड बहुत है क्या दे पांच वागी क्या पांच लाऊंगा खेजी ना वो बजी नहीं आराम से जो उठो कोई डिस्टर्ब करो नहीं कोई उठाई नहीं भी भले हो तो ढूंढे नहीं पाए हुआ दे हम तो तमी गया ही पजी मन नींदर न थी आई छ वागू उठे तो छ वागा नो तो ना हूँ जागतो तो कुदरती हूँ खबर नहीं पी तो कई ऐसे रे महादेव नी माया तमी गया ही पी तो घणु बधी थी ओहो बापू ये माड़ा वाड़ा पहराई ए ओला बापू ना था सूता एमने ये माड़ा पहराई पी ने जोड़ूक मैं कीधु थोड़क जो आया वस्तु अमुक घटती थी मैं कीधु बधु ली आव ए बधी वस्तु ली आया बैठो हारी गया बपोरे जमो जमी ने पछी थोड़ी वार आराम कर पछी हूँ तो निकलो तो अभी खाना बना खा गए। फिर ये एक टोल आया जो अभी आप पीछे एक टोल देख सकते हैं, ये टोल पार कर लिया और एक टोल अभी आगे है जो कि ये यूपी का आखिरी टोल गेट है। इसके बाद आगे से 20 किलोमीटर या तो फिर 25 किलोमीटर पता नहीं कितना है, लेकिन इसके बाद फिर उत्तराखंड लग जाएगा और यहाँ से हरिद्वार अभी बस रहा है 60 किलोमीटर 16। तो कल शाम तक तो हम ये हरिद्वार पहुँच ही जाएंगे कैसे भी करके, तो कल तो पहुँचना ही है। और ये दूसरा टोल गेट भी पार हो गया, अभी कहीं एक आगे होटल तो दिख रही है क्योंकि अभी हम सबको एक चाय की ज़रूरत है हूँ क्यों चा साहब अभी घड़ी का आराम करिए यहाँ मजे मजा आगे निकली है नींदर विंदर उड़ी जाए हाँ वाले दिवस करता है ना रात ना हलवा नहीं मजा में अपने रन कपाई ये खबर ना पड़े। तो दोस्तों अभी हम उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं और यूपी को हमने कह दिया है अलविदा। और अभी टाइम हुआ है 4:30। जो कि अभी हमारा चलना जारी है और काका और ये हम चाय पीने के लिए बस यहाँ बैठ गए थोड़ी देर। अभी आधा पौना घंटा यहाँ पे आराम करेंगे और उसके बाद फिर से हम चलना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई हरिद्वार अब बस दूर नहीं है और सुबह तक तो हम चलने वाले हैं ही, क्योंकि अभी और 10 से 15 किलोमीटर तो हम खींच लेंगे क्योंकि रुड़की अभी यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी है। हम उत्तराखंड बॉर्डर पे ही बैठे हैं, जैसे ही पहली होटल आई हमने लोकेशन डाला था वहाँ पे हम पहुँच के फिर अभी यहाँ चाय पीने के लिए बैठ गए। और चलो दोस्तों अभी हमारा तो चलना जारी रहेगा लेकिन इस वीडियो को मैं अभी एंड करता हूँ क्योंकि 4 तो बज गए, फिर 6 बजे से फिर से वीडियो शूट करना पड़ेगा मेरे को। तो दोस्तों आप लोगों का साथ और सर पे महादेव का हाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।